लरियासा थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में कैश वैन लूट करते समय गार्ड से चली गोली, महिला हुई घायल। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कैश वैन से कैश निकालते समय जो गन लोड किया जाता है उसी दरमियान गलती से गार्ड से गोली चल गई। सामने ठेला पर जा रही महिला को गोली लगी, इसका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि गार्ड को हिरासत में लिया गया है और महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। वो जो स्टेट बैंक है यहाँ पे मुख्य ब्रांच, वहाँ पे कैश के लिए कैश वैन आई थी, उसमें एक गार्ड है कुंदन कुमार। उस गार्ड ने जब वो नियम है, प्रक्रिया है कि जब कैश बॉक्स लोड वगैरह करते हैं तो उस समय वो अपने गन को लोड करते हैं, तो उसने गन को लोड कर लिया था और वो जमीन की ओर था और उसमें गलती से उनसे फायर हो गई। तो गोली जो है वो जमीन से रिकोशिट करके बोलते हैं, वो जमीन से उसका जो छर्रा निकला तो उसी में एक सब्जी ठेला लेके जा रही थी हशमती खातून कर एक महिला है, उनको वो छर्रा कमर के पास लगा है। फिर उस गार्ड ने ही अपनी गाड़ी से, सिक्योरिटी गाड़ी से तो महिला को डीएमसीएच इलाज के लिए ले गया। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस भी वहां गई है और महिला का बयान लिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है और गार्ड को भी हिरासत में थाने पर रखा गया है। राज्य सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार 31 तारीख से 2 जनवरी तक सभी पार्क एवं सार्वजनिक स्थल रहेंगे बंद, सिटी एसपी ने कहा। दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार दरभंगा के सभी पार्क, सार्वजनिक स्थल भीड़ भाड़ नहीं होगी एवं सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और पुलिस इसकी निगरानी करेगी। देखिए, पूरे राज्य स्तर पे इसकी समीक्षा हुई थी विगत दिन और जो ओमिक्रॉन के जो मामले में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो राज्य स्तर पे भी इसकी समीक्षा हुई और उसके वजह से जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उसको ही, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और चूंकि नव वर्ष है, 31-1-2 काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जो पार्क है, घूमने वाले जो स्थल है, उन सब जगह पे जो बंदी रहेगी, लोगों को आना जाना उस दिन नहीं होगा। और सर, हम लोग स्थानीय स्तर पर भी इस पर मास्क पहनने के लिए जो है कड़ाई से हम लोग अनुपालन कराएंगे और जो प्रावधान है फाइन का उसको भी सख्ती से लागू करेंगे। दरभंगा स्टेट बैंक के गार्ड से चली गोली, महिला प्रेमजीवर पंचायत की, गंभीर अवस्था में चल रहा इलाज, गार्ड को लिया गया हिरासत में। दरभंगा के प्रेमजीवर पंचायत की रहने वाली एक महिला जब स्टेट बैंक के सामने से गुजर रही थी, एन वक्त पर स्टेट बैंक के कैश वैन से गार्ड से गोली चल गई, इसके बाद महिला घायल हो गई, कमर में गोली लगी थी। कहा जाता है कि उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से खुद गार्ड ने कैश वैन से उसे दरभंगा डीएमसीएच भेजा है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। निकाला है, तो कर रहा था, उसी में का गोली चला। हम एक तो गाड़ी पर, अपने गाड़ी पर बैठे हुए, अरे प्राइवेट कार था, हाँ प्राइवेट कार, प्राइवेट कार, कुछ गोली चला, हमको तो लगा कि हम ही को लगा, लेकिन भगवान के हम पर जो है आगे गोली भाग गया। हमारा नाम संजय कुमार। दरभंगा डीएमसीएच में 22 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में प्रत्येक दिन आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पहले एक भी लोग आते नहीं थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रत्येक दिन आरटीपीसीआर टेस्ट में आ रहे हैं। आज 22 लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। गौरतलब है कि एक दिन पहले 12 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरभंगा में भाकपा माले के द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का, सस्ती बिजली मिले एवं फर्जी बिल वापस ले। दरभंगा में भाकपा माले का द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय बंगाली टोला में फर्जी बिजली बिल आने के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की कि बिजली बिल वापस दिए जाए। इसके अलावा दिल्ली पंजाब के तर्ज पर बिहार में और दरभंगा में भी बिजली बिल 100 यूनिट माफ किए जाए।
आज भाकपा माले की ओर से दरभंगा के अधीक्षण अभियंता के सामने फर्जी बिजली बिल को लेकर के बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी बिजली बिल्कुल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ बिहार के गरीबों से 10 गुना ज़्यादा आमदनी है, वहाँ अगर बिजली गरीबों को 100 यूनिट तक मुफ्त मिल सकता है तो बिहार के गरीबों को भी 100 यूनिट तक मुफ्त मिले, सस्ती बिजली मिले। लहरियासराय के पोलो मैदान के पास गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा एक शराबी को शराब पीते। दरभंगा के स्थानीय पोलो मैदान के धरना स्थल के पास पहले कुछ खाली शराब बोतलों को देखते हुए आज मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने सादे वर्दी में आज एक व्यक्ति को शराब पीते धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। कहा जाता है कि यहां पर शराब पीने वालों की संख्या सामने अधिक होती है, इसके बाद छापेमारी की गई थी, इसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नटोलिया से क्या यहाँ कर रहे थे? ऐसा ही आए हुए थे इधर। तो वो तो दिखा रहा है मशीन में आपका जो पिए हुए हैं शराब, कौन कौन है आपके साथ? हम तीन आदमी आए थे यहाँ। सब नटोलिया के हैं? ना, और जगह के लोग हैं, बेता के हैं, वो जीवर। क्या करते हैं आप? हम सब तो सर मुंशी का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक जी, हम लोग सिविल में यहाँ पर घूम रहे थे और पिछले कुछ दिन पहले कुछ खाली बोतल सब मिला था, तो हम लोगों को अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जो है अधिकार देख रेख करना है। हम लोग उसी में सिविल में आए हुए थे और खड़े थे, तो तीन लोग आए यहाँ पर, देखे कि कुछ संदेहास्पद लग रहा था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि ठंडा पी रहा था। उसके बाद तलाशी लिए तो ये शराब की बोतल बरामद हुई है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन जाने वाले मुख्य मार्ग में कीचड़ और जल जमाव से परेशान लोग, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। दरभंगा डीएमसीएच से आइसोलेशन जाने वाले मुख्य मार्ग की रास्ता इतनी खराब जर्जर और कीचड़ से सने होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक दिन तेज बारिश के बाद इस सड़क से नर्स, डॉक्टर एवं मरीज और परिजनों का आना जाना काफ़ी दुभर है। ऊपर में आगे जाने में इतना तकलीफ हो रहा है, गिरते 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 देख ही रहे हैं कि गिरते गिरते बच गए। दरभंगा डीएमसीएच के 1992 बैच के सभी डॉक्टरों की मिलन समारोह में खुशी का किया इजहार। दरभंगा डीएमसीएच के 1992 बैच के सभी डॉक्टर्स जो यहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर देश और विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था जब डीएमसीएच में आकर के उन लोगों के बीच मिलन समारोह में सभी एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करे। इस समय में करीब 40 से भी ज़्यादा डॉक्टर मौजूद थे। आए थे तो ये उद्देश्य ही लेकर नहीं आए थे कि हम लोग इस ऊंचाइयों को छुएंगे, तो हमारे टीचर बोलते थे कि स्काई इज योर लिमिट, बट अब जब सारे बैचमेट हम लोग मिल लिए हैं तो पता चल रहा है कि देयर इज नो लिमिट। तो हम लोगों की खुशियां जो है, हम लोग अपने दोस्तों को जो बातें हैं, तो ना तो हम लोगों का कोई ड्रीम का अंत है, ना सोच का अंत है, ना हमारी खुशी का अंत है, और ना मेरे जिंदगी का अंत है। मेडिकल दरभंगा जिला प्रशासन समाहरणालय के द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन दरभंगा डीएमसीएच ऑडिटोरियम में। दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में आज युवाओं का मेला लगा रहा। सभी इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के साथ संगीत, लोकगीत सहित कई प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में पूरे जिले से युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई, जिसका जज समाहरणालय के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये जिला समाहरणालय दरभंगा द्वारा युवा उत्सव है, उसमें गायन, वादन, नृत्य और ललित कला से संबंधित प्रतियोगिताएं हो रही हैं, नाटक भी इसमें है।
दरभंगा युवा महोत्सव में छात्र छात्राओं का उत्साह दुगुना, अलग अलग रंग और परिधान में नजर आए प्रतिभागी। दरभंगा DMCH के ऑडिटोरियम में जिला युवा महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें बाहर से आने वाले सभी प्रतिभागियों के अलग अलग रंग और परिधान से देख काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सूचना तो वैसे रहती है क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार हम लोग लोकगीत लेके आए हैं। कितने मने, सिंगल या अलग? नहीं, हम लोग का ग्रुप है और 6 लोग हैं हम लोग, तो लोकगीत लेके आए। क्या लग रहा है, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? ये सारे इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं जो लोग आगे नहीं जा पाते टैलेंट को उस लेवल तक ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे।